निर्देशक अली अब्बास जफर ने कहा कि सलमान खान ने टाइगर जिंदा है के लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उनकी जीतोड़ मेहनत मेरे लिए प्रेरणादायक है। वह देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। फिर भी उन्होंने फिल्म के लिए खुद की क्षमता से ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने आगे कहा, सलमान खान ने 3 महीनों तक जीतोड़ ट्रेनिंग ली है। हर दिन शूटिंग से पहले वो जिम करते थे। यहाँ तक कि पहाड़ों पर 2 डिग्री तापमान पर भी सलमान स्पेशल ट्रेनिंग करते थे ताकि वह स्टंट कर सकें। ऐसा ही वो रेगिस्तान में शूटिंग के दौरान भी करते थे। सलमान हर दिन फिल्म के सेट पर साइकिल से आते थे। हर दिन वे लगभग 10 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। वहीं डाइट पर भी पूरा ध्यान था। सलमान ने अपनी कड़ी डाइटिंग शेड्यूल फिल्म के शूटिंग के अंतिम दिन ग्रीस में तोड़ी। बहरहाल यहां जाने क्यों है टाइगर जिंदा है का इंतजार। सलमान खान एक्शन अवतार। ट्यूबलाइट में गांधी जी के आदर्शों पर चलने के बाद दबंग खान वापस अपने एक्शन अवतार में नजर आएंगे जिसमें फैंस उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सलमान कैटरीना की जोड़ी सलमान कैटरीना को साथ में देखने के लिए फैंस क्रेजी हैं। इससे पहले भी इस जोड़ी ने एक था टाइगर जैसी एक्शन फिल्म दी है। सुपरहिट फिल्म की सीक्वल कहीं न कहीं टाइगर जिंदा है को अपनी पहली फिल्म एक था टाइगर की सफलता का फायदा जरूर मिलेगा, खासकर ओपनिंग डे पर। क्रिसमस रिलीज। फिल्म क्रिसमस पर सोलो रिलीज होगी, लिहाजा फिल्म के पास कमाने के लिए काफी समय है। छुट्टियों में फैंस को सलमान खान की फिल्म मिल रही है, बस और क्या चाहिए। एक्शन फिल्म टाइगर जिंदा है में काफी जबरदस्त एक्शन सीन्स डाले जा रहे हैं जिसके लिए हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर्स को लाया गया है और एक्शन फिल्मों के दर्शक वर्ग को यह जरूर अच्छा लगेगा। सुल्तान जोड़ी अली अब्बास जफर और सलमान खान ने सुल्तान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है, लिहाजा उम्मीद है कि ये जोड़ी एक बार फिर धमाका करेंगे।